हाय राजीव जी, नमस्कार। क्या बात है, सबसे पहले आने वाले वो से एक पहली श्वेता जी, हाय गुड इवनिंग। जगबीर जी, हाय गुड इवनिंग। तमिल हेलो। प्रदीप यादव जी सर, नमस्कार। क्या बात है। हमें भी 5 बजे का इंतजार रहता है। तो लाइव बहुत ही फटाफट जो शुरुआती जिम्मेदारियां वो पूरी कर लेते हैं हम लोग, एटलीस्ट टैग कर दें, शेयर कर दें लोगों को, जिस मैक्सिमम लोगों को बुलाने की कोशिश करें। और वैसे भी आज का टॉपिक तो सेल्स के ऊपर है। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर एवरीवन। मोहम्मद साजिद जी, गुड इवनिंग। हाय रेनू जी, गुड इवनिंग। रामचंद्र जी, होप आप लोग इतना प्यारा सा। प्रशांत सर नमस्कार, जय हिंद। अमित जी नमस्कार, हुंडई से, कॉर्पोरेट ऑफिस से, ट्रेनिंग मैनेजर। आई होप आज आपको ढेरों वैल्यू मिलने वाली है, बिकॉज आपकी टीम भी आज होगी यहाँ पे। क्या बात है। अविनाश जी हुंडई से नमस्कार। कीर्ति गुप्ता जी गुड इवनिंग। वासुदेव सर जय हिंद, नमस्कार। जी हाँ संजीव जी, हमें भी इंतजार रहता है 5 बजने का। आप तो आसिफ अली जी हुंडई से नमस्कार। जय हिंद सर। प्रदीप मीना जी गुड इवनिंग, नमस्कार। क्या बात है, 3 मिनट हुए और 45 लोगों से ज्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया हमें। वाह वाह, तो लग रहा है कि। प्रदीप जी नमस्कार, बेली क्या बात है। अब तक परिवार बनता जा रहा है, ढेरों नाम जो लगातार याद आने लग गए हैं अब तो। हम लोग आपस में नेटवर्क करने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस समय का, एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। आप लोग जो लगातार यहाँ पे जुड़े जा रहे हैं, गुड इवनिंग कुलदीप जी। पंकज जी गुड इवनिंग गुवाहाटी से, क्या बात है। नमस्कार राजेश शाह जी, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच वासुदेव सर। हालांकि मेमोरी के मामले में हमेशा अमर सर को अपना गुरु मानता हूं, उनको सब कुछ चीजें याद रहती हैं। जय हिंद भूषण जी नमस्कार। हाय आनंद प्रणाम। दोस्तों शेयर करना ना भूलें। आप चाहे तो वॉच पार्टी क्रिएट कर सकते हैं। वॉच पार्टी क्रिएट करने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है, जहां पर शेयर का बटन होगा वहीं पे वॉच पार्टी का ऑप्शन आ रहा होगा, जिससे कि मैक्सिमम लोग इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड प्लीज, क्योंकि ये आज 20वां दिन है, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट द टीम बिहाइंड, रवीश जी और बाकी लोग जो लगे हुए हैं लगातार नए नए स्पीकर्स को लेके आना, मैनेज करना। एंड प्रदीप सर नमस्कार। तो आज का 20वां दिन है फ्रेंड्स, और हम लोग अगर मैं पीपल रीच की बात करूं तो वी हैव रीच मोर देन 4 लाख पीपल, विच इज रियली अमेजिंग। अमित श्रीवास्तव जी नमस्कार, लखनऊ। क्या बात है सर, लखनऊ मेरा बर्थ प्लेस है।
पांडे जी, नमस्कार नमस्कार। क्या बात है मनीष चौहान जी, पुराने बॉस के आते ही पहुंच गए। अभिषेक जी, उन्नई से गुड इवनिंग। तो साथियों, आज शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आई थिंक बहुत सारे लोगों के जिंदगी से टच करेगा, बिकॉज सेल्स एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं हमारे सभी को कनेक्ट करती है। एंड आप लोगों का सेल्स के बारे में क्या अपना राय है, आप लोग सेल्स के बारे में क्या समझते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और विद परमिशन, मैं अब आज के जो हमारे स्पीकर हैं, इज अ वेरी अ पर्सन विद अ वेरी रिच एक्सपीरियंस, करीब 25 साल का अनुभव है उनको टेलीकॉम से लेके एफएमसीजी और लाइफस्टाइल कंपनियों में। क्या बात है, ढूंढ ही साज काफी नंबर है, सभी का स्वागत है। हाय शगुन। तो मैं आज के स्पीकर की बात कर रहा था, करीब 15 साल उन्होंने वोडाफोन में काफी सीनियर पोजीशन पे काम किया हुआ है और 10 साल एफएमसीजी में। वासुदेव सर बोल रहे हैं कि मेरे लिए सेल्स बहुत कठिन है सर, आज मिलकर आसान बनाएंगे। 10 साल उन्होंने एफएमसीजी में काम किया, करीब 9 साल जिलेट में काम किया, और जिलेट बताने की जरूरत नहीं है। शिवम यादव, क्या बात है, भानुमती पीजी कॉलेज, बहुत बढ़िया, स्वागत है शिवम आपका। संजीव मलिक कह रहे हैं ग्रेट लीडर, आई एम श्योर। पंकज कौशल, सेल्स इज अ बैकबोन ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स ट्रू। तो साथियों, आपके बीच में हमारे आज के स्पीकर अमित राठी सर आने जा रहे हैं, और अमित सर आपका स्वागत है। नमस्कार प्रवीण जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला। और जहां पर हम सभी लोग कोरोना कोरोना खेल रहे हैं क्वारंटाइन होके, और यहाँ पर एक पॉजिटिविटी शेयर करने का और आपके स्किल्स शेयर करने का मौका दे रहे हैं आप हमें, इट्स रियली अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड मोर देन 84 पीपल हैव ज्वाइंड इन, और सभी लोग तैयार हैं आपको सुनने के लिए। तो नमस्कार आप सब लोग, जितने लोग अभी तक ज्वाइन करे हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को, बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू से थैंक यू, बिग बिग थैंक यू, बिकॉज टाइम पे अगर पाबंद है तो सेल्स अच्छा करेंगे। मैं क्या बात, सिर्फ यहीं से करता हूं, तो जो लोग 5 बजे बैंक ऑन लाइव हुए हैं, थैंक यू वेरी मच। आप अपने जोरदार, अपने लिए खुद एक पैट पे बैक करिए, बिकॉज ट्रूली ट्रूली इंस्पायरिंग। You guys have made it on time, so thank you very much for all the colleagues who have joined. There are a couple of names I know. कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पहली बार मेरे से मिलने का तजुर्बा हो रहा है, तो ये कहते हैं ना, ये होती है असर बातों में, तुम भी खुल जाओगे दो चार मुलाकातों में। So I am sure अरे क्या बात you are है, going to make it a good beginning. So welcome everybody, good evening. मुझे And पता ही नहीं था कि शायरी भी निकल जाती है Praveen, जज्बातों में। कह हाँ? रहे मुझे ये खबर नहीं थी कि शायरी भी निकल जाती है जज्बातों में। सर परफेक्ट भावनाएं बड़ी बहती हैं सर। सर, तो सर शुरू किया जाए। और आज ढेरों लोग बता रहे हैं सेल्स के बारे में, अपने अनुभव बता रहे हैं, अपनी चीजें बता रहे हैं कि सेल्स एक बैकबोन है, सेल्स कोर ग्रुप है, सेल्स कोर फंक्शन है। जी हाँ, मुझे मुझे खुद ये बात बोलते बहुत अच्छा लगता है कि किसी भी कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट हमेशा कोर फंक्शन होता है, बाकियों को हम सपोर्ट फंक्शन बोलते हैं। इनफैक्ट बीइंग अ ट्रेडर, मैं हमेशा सपोर्ट फंक्शन में रहा हूँ जब तक मैंने हाईएस्ट सेल्स मैंने किया सर हुआ है, इंश्योरेंस बेचा हुआ है मैंने। और इंश्योरेंस बेचना वन ऑफ द टफेस्ट सेल्स माना जाता है। बट यस, उसके बाद जब मैं ट्रेनिंग में आ गया था, तो आई वॉज अ पार्ट ऑफ सपोर्ट फंक्शन। ऑब्वियसली सारे फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट जो रोजी रोटी कमा के लेके आता है उसकी तो बात ही अलग होती है। प्रवीण जी, आप बताइएगा, जब आप लोग आप कहेंगे तब हम अच्छा शुरू कर दिया खेलेंगे। जाए, शुरू किया जाए। जी हाँ, ऑल राइट, नमस्कार एंड दोस्तों वेलकम वेलकम वंस अगेन। बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मेरा नाम अमित राठी, और मेरे पास कुछ ज्यादा आपको समझाने को नहीं है, ना मैं कोई ट्रेनर हूँ, लेकिन मैं सेल्स बैकग्राउंड से आया हुआ हूँ। कुछ
कुछ 25 साल मैंने इंडस्ट्री में गुजारे हैं, कुछ लार्ज मल्टीनेशनल एफएमसीजी या टेलीकॉम. आई यूज्ड टू वर्क फॉर वोडाफोन. लास्ट ईयर आई रिजाइंड एंड आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी कॉल्ड एडू स्टोरी. मेरी जो शुरुआत हुई थी वो एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी हुई थी. आई एम श्योर बहुत सारे लोग होंगे और बहुत सारे प्रवीण जी मुझे बता रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं एस्पायरिंग, जो कल का फ्यूचर, जो सुनहरा भारत मोदी जी कहते हैं उनकी जो परिकल्पना है वो आप लोगों से है. तो जितने स्टूडेंट्स ज्वाइन करे हुए हैं, थोड़े से मिसकंसेप्शन समझिए या सेल्स के बारे में जो भ्रांतियां हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनको भी आपको बताना शुरू करूं, उनके बारे में भी कुछ बात करूं. बहुत सारे दोस्त मेरे साथ, मेरी पुरानी कंपनी से जिनके साथ मेरा तारुफ रहा, वो भी ज्वाइन करे हुए हैं. तो मैं उन लोगों के लिए भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बिकॉज आज मैं जहां पहुंचा हूं, मैं बहुत कुछ जो सीखा हूं या आप लोगों को जो कुछ बताऊंगा वो इन सब लोगों ने मुझे सिखाया है. बिकॉज सेल्स में सबसे पहली चीज, या किसी भी बिजनेस में एक सबसे पहली चीज जो आप याद रखिए कि सीखने की कोई एज, सीखने की कोई उम्र, और सीखने का कोई वक्त, और सीखने की कोई जगह नहीं होती. जहां जहां जब जब इंटरेक्शन होता है, आप तब सीखते हैं, आप तब सीखते हैं, और आपको ये नहीं मालूम होता कि कौन सा बंदा आपको सिखा पाएगा. बिकॉज कई चीजें आपको जहां आप परसीव भी नहीं कर पाते, वहां पे आपको लोग नई नई चीजें सिखा जाते हैं. So, and today, if you look at from, so once again, thank you very much, Praveen bhai, for giving me this opportunity. Because our pleasure, and in my बस एक छोटा सा request और करूँगा कि साथ ही जितने भी आप लोग देख रहे हैं, please इस live session को share करना ना भूलें, जिससे कि maximum लोगों तक ये मुहिम जा सके. And you can create the watch party, जैसे maximum लोग आपके network के लोग join कर सकते हैं. सबसे आसान है, आप चाहें तो tag भी कर सकते हैं, जिससे कि इनको notification जा सकते हैं, they can join us. Yes sir, please. Okay. तो मैं ये बोल रहा था कि जो लोग काफी टाइम से जुड़े हुए मेरे साथ, उन लोगों ने बहुत सिखाया, और सबसे पहले मैं उन लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ. बिकॉज मैं जहाँ पहुँच पाया हूँ वो आपकी वजह से पहुँच पाया हूँ. कुछ मैंने सिखाया होगा, कुछ आपने सिखाया होगा. तो दोस्तों, आज की जब शाम की एक घंटे की जो वार्तालाप है, उसको मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि लेट्स मेक इट मोर कम्युनिकेबल, सो दैट वी टॉक एंड वी इंटरेक्ट. इट्स लेट इट नॉट बी मोनोलॉग. आप लोग अपने कमेंट्स यहाँ लिख सकते हैं, आप लोग अपने अपनी जो भी आपके दिमाग में भावनाएं आ रही हैं, कुछ सवाल हैं तो आप लिख सकते हैं, और हम जितना इंटरेक्टिव इसको बनाएंगे उतना मजा आएगा. बिकॉज सेल्स बहुत मजेदार चीज है, और अगर सेल्स में मजा नहीं है तो सेल्स एक्चुअली सेल्स नहीं है, फिर लोग बोर होने लगते हैं. और शुरुआत चलिए इसी से करते हैं. प्रवीण पूछ भी रहे थे अभी कि आप ये बताइए कि आप लोग सेल्स के बारे में क्या सोचते हैं. तो मेरा अगला सवाल है, बहुत लोगों ने बहुत सारे सही सही जवाब दिए, मैं आप लोगों को एक बात पूछना चाहता हूं, आपको सेल्स के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या समझ में आती है, जो आप किसी को समझते हो कि बॉस तुम सेल्स में जा सकते हो या तुम सेल्स में अच्छा कर सकते हो, वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो आपको लगता है कि सेल्स के लिए जरूरी है. टाइप करिए अपने कॉमेंट्स. यस दोस्तों, आने दीजिए. आप सेल्स के बारे में क्या समझते हैं? मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूं आज के सेशन के लिए. दो बार हमारी बात भी इस पे हो चुकी है. आई हैव बीन क्लोज टू 4 to 5 years मैं सेल्स ट्रेनिंग में रहा हूं जी, एंड आई वाज लकी एनफ कि मैं सेल्स करके सेल्स ट्रेनिंग में आया. गार्गी सेइंग मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग. ओके ओके, वेरी गुड. अभी प्रवीण जी कुछ लोग तो शेयरिंग में ही है, आपने जो बोला है लोग आगे दूसरे को इनवाइट करना चाह रहे हैं. मलिक क्या बात है, ये शानदार जवाब. संजीव मलिक इज पैशन. संजीव मलिक आई नो, हाय संजीव, गुड टू हैव यू हियर. लॉट ऑफ पीपल, हाय अखिल, हाय गागी, हाय अनिल. प्रेजेंटेबल, ओके वेरी गुड, इंस्पायरिंग. सचिन टंडन आउट स्पोकन, ओ माई गॉड, वेरी नाइस वेरी नाइस. वेरी गुड, ये तो कुछ मेरे ही लव्स बोले जा रहे हैं कुछ लोग. क्या बात है, वेरी गुड. सुमित वर्मा बहुत शानदार, क्या बात है. ओके वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू हैव मेड सम वेरी गुड इंटरेस्टिंग कॉमेंट्स. और सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि सेल्स में जितने भी आंसर आपने दिए ना, वो सब सही है, क्योंकि सेल्स में कभी कोई गलत चीज हो ही नहीं सकती.
बिकॉज आपका देखने का नजरिया होता है, बहुत सारे ट्रेनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं आप सबको नमस्कार करना चाहता हूं दोस्तों, माफ करिएगा पहली बार किसी के साथ ऐसी बात कर रहा हूं मैं, आज तक मैंने हमेशा आप लोगों से ट्रेनिंग ली है, बहुत बड़ा एडमायरर हूं मैं कुछ लोगों का जिनके साथ मैं पिछले एक सवा साल से प्रवीण भाई की तरह टीटीसी की मदद से जुड़ा हुआ हूं, एंड आई एम अ वेरी साइलेंट एडमायरर फॉर कपल ऑफ यू. कपल ऑफ यू हैव बीन दी गेस्ट स्पीकर इन लास्ट 20 लास्ट 19 सेशन, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. And thank you very much in the beginning as an advance also to be here with me, because मैं आपकी तरह उतना सुलझा हुआ training की तरह नहीं समझा पाऊंगा, but कोशिश करूंगा. So sales को आप समझने की कोशिश करिए पहले. मेरा एक philosophy sales में रहती है कि sales को जितना simplify करेंगे उतना sales आसान होती है, और मैं आपको acronym के route से लेने चलता हूँ. तो sales को, sales के characteristics को सिर्फ sales शब्द में ही ढूंढते हैं और उन्हीं को याद रखते हैं, तो आप लोगों को आसानी होगी उसको रिपीट करने के लिए, उसको समझने के लिए कि सेल्स होती क्या है. तो जो पहला सेल, सेल्स में एस होता है, दैट स्टैंड्स फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस. क्या बात है. सो एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी जिसको अपने ऊपर एतबार है वो सेल्स के लिए फिट है, और अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो सेल्स नहीं हो पाएगी, फिर ना हो पाएगा. किसी ने लिखा बार बार लगातार, बिकॉज सेल्स एक ऐसी चीज है जहां पे जद्दोजहद जारी रहेगी, बारी बारी जारी रहेगी. 31 तारीख को क्लोजिंग करके खुश होके रात को घर जाओगे, सेलिब्रेट करोगे, थोड़ी डांट खाओगे, लेकिन 1 तारीख को सुबह बॉस फिर टारगेट देगा. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे पहली चीज. Can you all write that self-confidence is okay with you? Do you understand? S means self-confidence. Absolutely right. Very good. A. Sales ka A stands for action orientation. Sales wo hai dosto jahan sirf action hi action hai. Ye action movie hoti hai sales. Aur log kehte hain are kon call ye wo. अमर सर हमारे साथ है, अमर चौधरी. आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ अमर चौधरी. वो एक बहुत टिपिकल वर्ड यूज करते हैं, एक्शन. वो डिवाइड कर देते हैं चीजों को, वर्ड को एक्शन को ब्रेक करिए. एक्ट आई ऑन, द एक्ट विच मेक्स यू गो ऑन इज एक्शन. एंड अगर एक्शन ही नहीं है, एक्शन की कमी है, तो बॉस एक्शन लाओ जिंदगी में. दैट इज द सेकेंड पहलू फॉर सेल्स. टाइम की कमी है, आगे चलते हैं. तीसरा जो एल स्टैंड करता है वो एल स्टैंड करता है यू आर अ बॉर्न लीडर. लीडर कभी डरता नहीं है, निडर होता है. सेल्स में अगर डरोगे तो इतने एड्स हैं, इतने डायलॉग हैं, शोले का पुराना डायलॉग है, जो डर गया सो मर गया. एंड सेल्स में वही लोग फेल होते हैं जो डरते हैं. अगर सेल्स में जीना है तो लीडरशिप क्वालिटी आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी क्राइसिस हो, और मैं मान ही नहीं सकता जितना मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है, इतनी बार हम समझते हैं कि यार अरे ये एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई, अब इसको कैसे पार करेंगे. जब आप उसको करते हैं और जब आप जाके रिलीफ भी नहीं कर पाते. लोग बात करते हैं कि पुलिस की नौकरी बड़ी खतरनाक होती है, बॉस ड्यूटी ऐसी होती है. मैं कहता हूं सेल्समैन की जिंदगी कुछ कम नहीं होती. सेल्समैन ऑल्सो नीड टू गो थ्रू लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लॉट ऑफ क्राइसिस एवरी टाइम. Now, if you are in a crisis situation and you don't wear a hat of leader, you cannot decide, because आपके ऊपर पूरी आपके नीचे की टीम का दारोमदार है. और आप अगर चाहे किसी भी लेवल पे हो, अगर आप RM हैं या फ्रंट लाइन है तो आपको नीचे के डिस्ट्रीब्यूटर और उनको समझना है. अगर आप ASM लेवल पे हैं तो आपको ASM को समझना है. अगर उसके आपके नीचे की पूरी टीम को समझना है. अगर आप रीजनल मैनेजर हैं तो पूरी जोन और या पूरी नॉर्थ आपको समझना है. आपको अपनी जोन संभालनी है. तो हर लेवल पे लीडरशिप काम करेगी. और इसीलिए प्रवीण भाई और मैं बात कर रहे थे, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लीडर जो सीनियर पोजीशन पे जाते हैं, जो कंपनी के डिसीजन मेकिंग में काम करते हैं, जो लोग उस मंजिल काम तक पहुंच पाते हैं, वो ज्यादातर लोग सेल से होते हैं. मेरा किसी दूसरे फंक्शन को कुछ कहने का या डिमीन करने का बिल्कुल मतलब नहीं है. इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड लाइव ऑन द फेसबुक. अदर फंक्शंस डू नॉट मेक अ डिफरेंस. But it is only sales that makes the thappa, because finally company mein revenue sales lata hai. So let's remember that leadership, you are a born leader. Kabhi bhi agar dar lage, to 5 minute nikalo. Ek achhi aadat hai jo main aage aapko bataunga, what are the key skills which you should learn. Apne aap se baat karna shuru karo dosto. Samay aisa nikalo ki 5 minute apne saath baat karo.
अपने साथ बात करोगे तो बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएगी। और जब भी डर लगे तो अपने आप को आईने में सुबह उठो और बोलो कि मैं लीडर हूं, मैं इस मुसीबत से बाहर निकल पाऊंगा। क्योंकि लोग मिसालें बनाया नहीं करती, मिसालें दी जाती है। आप अपने आप से मिसाल बनो एंड दैट्स द रोल ऑफ द लीडर। नेक्स्ट इज सेल्स में ई आता है, ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी। अगर कंधे झुके हुए हैं, आवाज डल है, आप सामने बैठे हैं, लोग बोलते हैं भाई थोड़ा तेज बोल, समझ नहीं आ रहा, तो ना हो पाएगा। सेल्स इज ऑल अबाउट एनर्जी। और मतलब एनर्जी क्या, ड्यूरासेल की एनर्जी से ज्यादा चाहिए, विच गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इट हैज टू बी लाइक दैट एवरी टाइम, बिकॉज इफ सेल्स डू नॉट हैव एनर्जी, यू विल नॉट बी एबल टू डिलीवर व्हाट यू आर लुकिंग फॉर योरसेल्फ। आपकी आपसे खुद से जो एक्सपेक्टेशन है वो आप पूरी नहीं कर पाओगे। एनर्जी इज मोर पावरफुल देन एनीथिंग एल्स। सो थकना मना है, सॉरी मैं कह रहा हूं थकना मना है सेल्स में, थकना है। और एनर्जी भी दो होती है दोस्तों, एक होती है कंस्ट्रक्टिव एनर्जी, एक होती है डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। तो मैं सिर्फ कंस्ट्रक्टिव एनर्जी की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव एनर्जी की बात कर रहा हूं। सो एनर्जी स्टैंड्स फॉर ई, आर यू क्लियर सो फार? और सबसे अहम पहलू, जब सेल बोलते हैं तो कहते हैं एक जब डील क्लोज होती है उसको सेल बोलते हैं। वो कहता है बॉस आज सेल ऑर्डर उठा लिया। सेल्स जब होती है, लास्ट एस जो स्टैंड करता है वो इसलिए होता है, वो सेलुओं की लास्ट पहचान होती है। बिकॉज सेल्स एक ऐसी चीज है जो सेट स्टैंडर्ड को सेट करता है, जो अपने मापदंड बनाता है, जो अपनी बेंचमार्किंग करता है, जो अपने ही नियमों को खुद तोड़ता है, अपने ही रिकॉर्ड को खुद तोड़ता है। बिकॉज जब तक आप अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को नहीं ब्रेक करोगे, आप ग्रो नहीं करोगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करेगी। हम लोग सेल्स में नॉर्मल हर लोग बात करते हैं, सर टारगेट बहुत ज्यादा होता है, कंपनी चाहती ही नहीं है कि हम इंसेंटिव कमा पाए। गलत है। आप अपने बॉस की एक्सपेक्टेशन के ऊपर उतरना की कोशिश कर रहे हो। आप अपने बेंचमार्क खुद बनाओ, वो एक सेलू की पहचान होती है। एक सेल्समैन वो होता है जो अपना स्टैंडर्ड खुद क्रिएट करता है कि मुझे यहां से यहां पहुंचना है। अपनी लाइफ का गोल बनाते हो ना, मेरे को यहां से, अगर मैंने अपनी जिंदगी एज मैनेजमेंट ट्रेनी शुरू करी थी और मेरे को वाइस प्रेसिडेंट या ऊपर के लेवल तक पहुंचना था, तो मेरे को मेरी जर्नी प्लॉट करनी थी। और अगर वो जर्नी प्लॉट करनी है तो वो ख्वाब आप ही देखोगे। हर ट्रेनर, जितने ट्रेनर आज यहां बैठे हुए, सबसे मैं ये हर के लेक्चर में, हर के सेशन में आपने ये सुना होगा कि बॉस अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो आप हो। तो आपको अपने स्टैंडर्ड खुद बनाने पड़ेंगे। हमको सेल्स में जो तकलीफ होती है, जो मेरी अभी तक की लर्निंग है, वो ये कि हम किसी और के बेंचमार्क को अपने ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, हम अपने स्टैंडर्ड खुद नहीं क्रिएट करते। क्या बात है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल्स। ये सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर इनको हम समझ पाए, ये सब अगर आपके पास है, तो आप सेल्स के लिए परफेक्ट मटीरियल है। किसी ज्योतिषी को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है, अपनी कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है, आप परफेक्ट है सेल्स के लिए। ग्रो करते करते वहां पहुंचेंगे, उन ऊंचाइयों को छुएंगे जो आप किसी के बारे में रोल मॉडल आपने बनाया होगा। हम हर किसी की जिंदगी में एक रोल मॉडल होता है, दो तीन रोल मॉडल भी होते हैं। रोल मॉडल की पहचान होती है कि हमको उनकी तरह बनना है, वो ऊंचाई जो उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त करी है उनको वहां पहुंचना चाहते हैं। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल विद माय हिंदी, टूटी फूटी ही सही बोलने की कोशिश। सर दिल से निकले हुई तो दिल तक पहुंच जाती है। हाँ शानदार सर, आई एम श्योर, आई मीन आई कैन सी द कमेंट्स, आई मीन हम सभी एंजॉय कर रहे हैं, स्क्रीन के साइड भी बैठ के बहुत मजा आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल्स। तो मैं, आप जितने लोग यहाँ जुड़े हुए, अभी प्रवीण भाई कितने लोग जुड़े हुए अपने साथ? सर मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है 177, वेरी गुड। सो 177 जितने महानुभाव और लेडीज एंड जेंटलमैन, हूसोएवर हैज जॉइंड, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। एंड आप लोग अगर अभी तक ये सेल्स को, आप सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने पांच बताए, अगर आप उनमें से सब में हो, वो सारी चीजें आप में है। लेवल अलग अलग हो सकता है, उस लेवल को ही ठीक करने के लिए अनलॉकिंग कोड की हम बात करेंगे, लेकिन अगर वो सब आपके बीच में है तो किसी को कोई परेशानी की बात नहीं। आप राइट फोरम में हैं, आप सेल्स में अच्छा करेंगे। और निकलता है कोई घर से ये कह के नहीं निकलता कि आज मैं फेल होने जा रहा हूं। घर से जो भी कोई निकलता है वो ये कहने जाता है कि मैं आज जा रहा हूं काम पे, मैं सक्सेसफुल होऊंगा और शाम को मिलता हूं।
दिन भर जद्दोजहद मेहनत करते हैं, मार्केट में जब 40, 45, 40, 47, 48 डिग्री टेम्परेचर होता है, मार्केट में जाके जो माल बेचता है ना दोस्त, वो सेल्समैन होता है। और इसके लिए वो हार्ड मेहनत जो होती है, उनको ये हक है, जो मेहनत करते हैं उनको ये हक है, भगवान का दिया हुआ हक है कि वो अपने सपनों को साकार करें। और वो सपने साकार तब हो सकते हैं क्योंकि आप उसके बारे में मेहनत करते हैं और उसका रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। आर यू विथ मी सो फार? एम आई गोइंग ओके? एम आई गोइंग फास्ट? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? प्लीज कीप शेयरिंग द शो। शानदार भैया, अरे ये तो कोई मेरा कजिन भी ज्वाइन किया हुआ है, थैंक यू वेरी मच। महेश्वरी जी हैं, शानदार भैया क्या बात है। संजीव मलिक, मैं आज बेस्ट दूंगा, वेरी गुड। सो हाथ फ्रेंड्स, एक बार फिर से चाहे तो आप वॉच पार्टी क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक जितनी एनर्जेटिक सेशन चल रहा है और भी लोगों को ज्वाइन करना चाहिए इसको। यस सर। सो अगर हमने सेल्स, आप लोगों को सबको क्लियर हो गया? प्रवीण जी स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं सेल्स का जो पांचों का मतलब है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक्शन, एनर्जी, लीडरशिप एंड सेटिंग योर ओन स्टैंडर्ड्स। सो इफ दैट इज ऑल क्लियर, नाउ आई विल गिव यू टिप्स। द टॉपिक व्हिच वाज गिवन टू मी, जब प्रवीण मेरे से बात कर रहे थे, बोले सर आप कुछ सेल्स के बारे में बोलिए। अब मैं कहूं यार, सेल्स इतना वास्ट और ऐसा कॉमन सब्जेक्ट है, हर किसी को लगता है कि सेल्स तो मुझे आती है, कोई मुझे क्या समझाएगा। सबसे बड़ी तकलीफ सेल्स में ये होती है, हर कोई ये समझता है बॉस मुझे सब आता है, मुझे कुछ मत बताओ, और इस वजह से तकलीफ होती है। तो प्रवीण को जब मेरे को बोले कि सर आप कुछ बोले, मैं कहा यार क्या बोलूंगा मैं, क्या चाहते हो आप ये बताओ, क्या समझते हो। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक निकाला कि ये सेल्स कोड जो बहुतों के दिमाग में बहुत सारी विडंबनाएं चल रही होती हैं, बहुत सारी धारणाएं हैं सेल्स को लेके। और सॉरी, मैं माफी चाहता हूं अगर किसी की मैं सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दूं, क्योंकि सेल्स का काम ही होता है हर्ट करना। अगर वो ना कर पाए तो सेल्समैन ठीक ही नहीं है वो। तो जो सेल्स की परिभाषा, जो बहुत लोगों ने गलत धारणाएं हैं, मैं थोड़ी थोड़ी धारणाएं आपको बताना चाहता हूं। जब बच्चे कॉलेज से पास होते हैं, मैं बहुत सारे एमबीए कॉलेजेस में भी आजकल जाता हूं, लोगों से बात करता हूं, तो सबको ये बोलते हैं सर सेल्स में नहीं जाना, हमको ना एक कंफर्टेबल डेस्क जॉब चाहिए। उसका जवाब मैंने अभी कुछ देर पहले दिया कि मेहनत नहीं करोगे दोस्त तो जिंदगी में सीख नहीं पाओगे, सेल सीखनी है तो बाजार में आना ही पड़ेगा। एक बहुत पुराना शेर है, कब तक छुपेगी कैरी पत्तों की आड़ में, छुपेगी कैरी समझते हैं ना छोटा आम, कब तक छुपेगी कैरी पत्तों की आड़ में, एक दिन तो आना पड़ेगा बीच बाजार में, बिकता तो नहीं है। क्या बात है सरदार। सो फॉर कमिंग टू योर ड्रीम, इफ यू हैव अ ड्रीम, इफ यू हैव अ गोल, इफ यू वॉन्ट टू अचीव, then you have to come to market, because market से बड़ा learning place कोई नहीं। बिल्कुल से, so true। इसीलिए लोग कहते हैं Facebook ने एक वो marketplace भी बना दिया ना। Yes, yes, yes। तो उनके लिए जो कंप्यूटर पे बैठ के सोचते हैं कि चलो हम market तो चले जाएं, लेकिन market में जाने का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, and I will come। So now today coming to that main topic, what do you feel? And how do I unlock? Because पहली मिजरी या पहला मिथ जो सेल्स के बारे में है कि सेल्स बहुत ही टफ है, कुछ लोगों ने लिखा था सेल्स बहुत आसान है, सेल्स बहुत टफ है, कुछ लोग कहते हैं हम सेल्स करना ही नहीं चाहते जी, हमको ह्यूमन रिसोर्स में काम दे दो, हमको मार्केटिंग में दे दो, हम वहां बैठ के काम करना चाहते हैं। तो उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये गलत धारणा है, लोग डराते हैं। और मैंने आपको पहले बोला कि अगर जो डरता है वो मरता है। माउंटेन ड्यू का एक बहुत पहले एड आया था जो सबसे ज्यादा फेमस एड हुआ, डर के आगे जीत है। तो अपने डर से बाहर निकलो, निडर बनो, सेल्स में ऐसा कुछ नहीं होता, अच्छे लोग होते हैं सेल्स वाले। प्रवीण भाई एग्री करेंगे इस बात को, और yes, बाकी वो सारे एग्री कर रहे हैं। यस सर वेरी नाइस। नाउ लेट्स लुक एट, इफ यू नीड टू लुक एट, इफ यू हैव डिसाइडेड दैट ऑल फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर विथ यू, नाउ लेट्स लुक एट हाउ डू आई अनलॉक द मिस्ट्री। So I will give you another acronym, which is Unlock Only. My today's session, I am going to talk about only Unlock, UNLOCKING. ये नौ पिलर में ही नवरत्न छुपे हुए हैं जो सेल्स के लिए आपको फंडामेंटली चेंज करने। Are you with me? Clear?
Going well, very good. Thank you, sir. Manoj Sinha, yes, sir. All good, all good. I'm finding some of the comments very, very interesting, amazing. Thank you very much. Shukriya. Experience बोल रहा हूँ और कुछ नहीं बोल रहा, माफ कीजिएगा भावनाओं में कहीं गलत शब्द निकल जाए किसी के sentiments को मैं. Let's start. Unlocking का first U, and Praveen, you can put it on the screen. Unlocking the first U stand for understand your customer well. और एनर्जी वगैरह की सबकी बात हो गई, अब मैं थोड़ा सा आपको सीरियस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर मींस व्हाट. और ये केवल सेल्स के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए. अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, और हम सब का कोई ना कोई कस्टमर होता है, चाहे वो इंटरनल कस्टमर हो चाहे वो एक्सटर्नल कस्टमर हो. अगर आप किसी भी प्रोफेशन में, अगर आप ट्रेनिंग प्रोफेशन में, जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं तो वो आपका एक कस्टमर होता है. जब आप किसी बिजनेस में होते हैं, अपनी कोई सेल्स ऑर्डर या किसी डील के लिए जाते हैं तो आपके सामने कस्टमर होता है. आप घर पे होते हैं, जब घर वालों से, फैमिली मेंबर से बात कर रहे होते हैं तो सामने वाला कस्टमर होता है. जब आप किसी कंपनी में होते हैं तो इंटरनल कस्टमर होते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो कस्टमर होते हैं, क्योंकि सब इंटर रिलेटेड होते हैं. और अगर कस्टमर को ही हम नहीं समझ पाए तो हम उसको सोल्यूशन क्या देंगे. वो जमाने चले गए जब कंपनियां माल बनाया करती थी और कंपनी के लोग जाके बाजार में माल बेचा करते थे. दिस इज द वेरी वेरी इवॉल्व स्टेज ऑफ सेल्स नाउ. मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट कि जो लोग समझते हैं, पहले बचपन में हम जो छोटे थे ना तो कहा जाता था, अरे यार ये डॉक्टर साहब का लड़का पढ़वड़ नहीं रहा, चलो कुछ नहीं तो सेल्समैन तो बन जाएगा. अब कहते हैं बॉस अगर सेल्समैन बनना है तो भी पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े सेल्समैन नहीं बन पाओगे. तो अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कस्टमर की क्या जरूरत है. और उसके लिए जो सबसे पहली चीज है वो है, यू हैव टू हैव वेरी इफेक्टिव लेवल ऑफ लिसनिंग. जो लिसनिंग है वो अपने आप में भी बहुत बड़ा मैनेजमेंट में वास्ट टॉपिक है. लिसनिंग के ऊपर आप पूरे दिन की एक चर्चा कर सकते हैं. बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो यस कह रहे हैं और सब एग्री करते हैं. अभी कुछ दिन पहले मैं शाम को स्किलिंग यू का सेशन देख रहा था, डॉक्टर ब्रिगेडियर मुदगल आए हुए थे उसमें, एसके शर्मा जी ना, एसके शर्मा सर, अच्छा विंग कमांडर जी आए हुए थे और एसके मुदगल साहब भी, वो भी आए थे. मुदगल साहब जी, उन्होंने बोला उस दिन, इतना बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि सर आप लॉकडाउन में हैं, घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, आपको बोला स्टेशन जाके लेके आना है, आपको गाड़ी की चाबी दी, आप ड्राइवर हैं, आप गाड़ी से गए, फटाफट वहां पहुंचे, उनको गेस्ट को रिसीव भी किया, वापस आ रहे थे, रस्ते में गाड़ी का टायर पंचर हो गया, चार पांच लोगों की मदद से आपने टायर चेंज किया, आपने घर पे आके गाड़ी पार्क करी, गेस्ट को आप घर पे लेके आ गए. तो बताओ मेरी उम्र क्या है, ड्राइवर की उम्र कितनी थी, याद आया आप लोगों को जितने लोग सेशन में थे? हाँ, यू कैन से हाई फाइव, यू कैन से यस. कितना ब्यूटिफुली डॉक्टर साहब ने उसको एक्सप्लेन किया लिसनिंग को. उन्होंने बड़ा सिंपल बोला, बॉस आप गाड़ी के ड्राइवर हैं आज के लिए. फिर उन्होंने बहुत लंबी कहानी बनाई और लास्ट में पूछा ड्राइवर की एज क्या थी. अगर मैं ड्राइवर हूं तो मेरी एज है ना. सो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम लिसन, और होता क्या है, लिसनिंग का सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है वो 100 में से 80 लोगों के साथ होता है, वो है सिलेक्टिव लिसनिंग या प्री कंसीव्ड नोशन. राइट, वेरी गुड. हम कस्टमर के पास जा रहे होते हैं ना, हम कस्टमर के बारे में विचारधारा खुद ही अपने दिमाग में बना के, खिचड़ी बना के, पुलाव बना के चले जा रहे होते हैं. हमको सब मालूम है कस्टमर क्या चाहता है, लेकिन कस्टमर कुछ और चाहता है. तो यू हैव टू डेवलप एज अ ट्रू सेल्समैन, यू विल हैव टू डेवलप अ हैबिट ऑफ लिसनिंग द कस्टमर वेल, अंडरस्टैंडिंग वॉट ही रिक्वायर्स और शी रिक्वायर्स, एंड देन गिव द रियल, उसकी चैलेंज क्या है दुनिया में, वॉट इज हिज प्रॉब्लम, वॉट इज ही आस्किंग फॉर अ सोल्यूशन, तभी तो हम उसको सोल्यूशन दे पाएंगे. करेक्ट, अमर सर कह रहे हैं लिसनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अगर आपको लिसनिंग आ गई, और जितने शादीशुदा हैं हम लोग, वो कहते हैं बॉस लिसनिंग सबसे ज्यादा समझनी है ना, सीखनी है ना, तो अपनी बीवियों के सामने जो लिसन करते हो ना वो समझो. एक बार में बोलती हैं समझ में आता है, क्योंकि आप फोकस होकर सुनते हो, नहीं सुन पाए तो बहुत पड़ती है.
So listening is very important. You have to be very, very selective. You will have to be very, very sharp. You will have to be focused because customer कई बार खुद भी दिमाग में confused होता है. आपका एक पॉइंट होता है जब वो कॉन्वर्सेशन हो रही हो तब आपको उसको रियल चैलेंज पे ले जाना होता है. क्या सर, इट्स ऑलवेज अ बेटर आइडिया टू आस्क क्वेश्चन, इज दिस योर प्रॉब्लम, इज दिस व्हाट यू आर फेसिंग एज अ चैलेंज, इज दिस व्हाट यू नीड सॉल्यूशन फॉर, एंड देन पिच योर बिजनेस आइडिया, पिच योर बिजनेस. हम सुबह निकलते हैं क्योंकि एक कॉन कॉल हुई, आज इतने नंबर चाहिए, हर कोई जाके वहां शुरू कर देता है, सर मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं. कस्टमर कहता है यार 100 आते हैं चले जाओ. ये हमको कंपनी में सिखाया गया कि बॉस अगर आपके लिए जब आप कस्टमर के पास जा रहे हो आपके लिए वो एक कस्टमर है, लेकिन कस्टमर के पास 5 लोग पहुंच रहे हैं तो 5 के 5 अलग अलग तरीके से हैं. कौन ज्यादा इफेक्टिव लिसनिंग कर पाएगा वो समझ पाएगा. एंड देन प्रोवाइड कम्युनिकेशन एंड सॉल्यूशन व्हाट यू वांट टू गिव. लास्ट पॉइंट ऑन अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, वी कैन डू इट अगेन एट सम लेटर टाइम. इफ यू नीड एनी हेल्प आई कैन एक्सप्लेन लिसनिंग इन डिटेल. लास्ट थिंग इज जो प्रॉब्लम सेल्समैन में होती है, हम अपने आप को शाणा समझते हैं, तेज समझते हैं, और हम तेज से ज्यादा तेज, मतलब रजनीकांत स्टाइल में हम प्रॉमिस करते हैं. अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर. अगर आप 3 दिन में सॉल्यूशन दे पाएंगे तो आप उसको बैंक से समझिए. प्रवीण भाई बैंक से आए हैं, वो इसीलिए नोट कर रहे हैं. सर आपका अकाउंट, आपने अपने ये रिक्वेस्ट करी है, 7 दिन के अंदर आपको आपके पोस्टल लेटर्स पे मिल जाएगा, या 4 दिन के अंदर आपको ईमेल पे ये कम्युनिकेशन चला जाएगा. उनको मालूम है वो शाम को भेज देंगे, लेकिन डिजिटल एज में दे अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कस्टमर सेटिस्फेक्शन विच विल कम लेटर. सो दैट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग विच इज अनलॉकिंग फर्स्ट यू. प्लीज बी वेरी क्लियर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कस्टमर. दिस अप्लाइज टू एवरीबडी, ऑल प्रोफेशन, whether it is trainer, whether it is anybody else, whether it is in hardcore sales, whether it is in marketing, you need to understand your customer well and that will give you a lot of leverage. Moving on to N, which is unlocking, the second point is N. Be your natural self. आप अकेले ही आप हैं, यूनिक हैं. माता पिता ने आपको एक नाम दिया है. आपकी दुनिया में रोल मॉडल हो सकता है कोई. मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा बनूं, लेकिन क्या मैं उस तक उस उनकी जो उपलब्धियां थी वहां तक पहुंचने के लिए आई नीड टू कॉपी हिम? नॉट अ गुड आइडिया एज फार एज आई एम कंसर्न्ड. बिकॉज आप कॉपी कर सकते हो, लेकिन कॉपी जो भी करते हो, एक बार ठीक करोगे, 2 बार ठीक करोगे, 4 बार ठीक करोगे, 5वीं बार क्या होगा? आप ठीक करोगे या गलत करोगे? आंसर डाल दीजिए सर. Yes, sir. That is there. आप ठीक करोगे गलत करोगे? Okay. क्योंकि आप ठीक नहीं करोगे, पता है क्या होगा? आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं क्या हूं और मैं किसी को कॉपी करते करते ना घर का ना घाट का. So be your natural self. जो आप हो वही आप हो, क्योंकि जितना ट्रूनेस, जितनी ऑनेस्टी आपके, उतना कस्टमर आपसे ज्यादा अटैच्ड फील करता है. जितनी आप बात छुपाते हो, जितना आप उसको मास्क लगा के दिखाना चाहते हो, उतना मास्क खुलता जाता है, और जब खुलता है तो सेल्स कलेप्स करती है. सेल्स का एक सबसे बड़ा फंडा है कि आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है. आज तक कोई ऐसा सेल्समैन है जिसको टारगेट गिरते हुए दिखे हूं अपने? जब टारगेट इधर नहीं जाते तो आपका टारगेट तो बढ़ना ही है ना बॉस. सेल्स कलेप्स करेगी तो कैसे करोगे? टेंशन इसलिए होता है सेल्स. And very important N, second N, which is nurture relationship. दोस्तों ये पहली बार हम जाते हैं सेल्स कॉल पे जाते हैं, सेल्स का एक फंडा है 4 से 5 बार तक जब तक दरवाजा ना खटखटाओ सेल्स मैच्योर नहीं होती. लेकिन वो मैच्योर करने के बाद हम कस्टमर के बारे में अपने दिमाग में धारणाएं बना लेते हैं, ये अच्छा कस्टमर है कि ये पोटेंशियल कस्टमर है कि नहीं है. आपको नहीं मालूम कल अगला मुकेश अंबानी कौन होगा. एवरी कस्टमर हैज अ पोटेंशियल बिकॉज भगवान ने सबको कैपेबिलिटी बराबर दी है. किसका वक्त कब आएगा, इसलिए ट्रीट ऑल कस्टमर, नर्चर ऑल रिलेशनशिप द वे यू वॉन्ट टू. वाओ, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग. बिकॉज हम जब कई बार ट्रेनर्स भी होते हैं, मैंने देखा है ट्रेनिंग फ्रेटर्निटी में 50-100 लोगों की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं. काफी सारे ट्रेनर्स हैं, मैं इसलिए उनको एक इनपुट देना चाहता हूं. कई बार लोग समझते हैं
कि जब आप बात कर रहे होते हो तो कनेक्ट बनने लगता है। आप सिर्फ जो लोग आपको लगता है कि दे कैन गिव मी फ्यूचर बिजनेस और वॉट एवर, समटाइम्स यू हैव वेरी सिलेक्ट ऑडियंस, यू सिलेक्ट ऑडियंस विद हुम यू वॉन्ट टू कनेक्ट, रेस्ट यू फॉरगेट और रेस्ट यू डोंट नर्चर दैट रिलेशनशिप। इट इज जस्ट अ लिटिल मोर एफर्ट बट इफ यू नर्चर रिलेशनशिप इट विल गो अ लॉन्ग वे। क्लियर? रिलेशनशिप में एक लाइन जो मुझे बहुत पसंद आती है सर, जब भी मैं सेल्स में था या फिर सेल्स ट्रेनिंग में, मैं बहुत इस लाइन को जीने की कोशिश करता था और आज भी करता हूं कि एक बेहतर सेल्समैन वो होता है जो सर बोल के शुरू करता है और भैया पे आके खत्म करता है। करेक्ट। तो या फिर कंटिन्यू करता है, इनफैक्ट रिलेशनशिप एक बार बन गया तो बनता रहता है। सो आई बिलीव कि रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम बिल्कुल एक पर्सनलाइज्ड और उस दायरे में आ जाए जिसको सच में रिलेशनशिप बोला जाता है। करेक्ट। और जितने सर कहते कहते हमें 40 मिनट भी हो गए हैं तो थोड़ा सा हम समय का निशान करेंगे। मैं भी वही बोलने लगा था। जो एल होता है अनलॉकिंग का, एल स्टैंड्स फॉर लिसन टू योर इनर वॉइस। कहते हैं कि हमेशा आपके पास दुविधा आएंगी, एक आसान रास्ता होगा और एक थोड़ा टफ रास्ता होगा। शाहरुख खान की एक मूवी आई थी, उसमें भी वो बोलता है कि बॉस जीत के दो रास्ते हैं, एक सीधा लगेगा लेकिन कौन सा रास्ते से जाना है। जब भी आप इस कंफ्यूजन में हो, इस दुविधा में हो ना, अपने आप से बात करो, अंतर आत्मा कभी आपको गलत सजेशन नहीं देगी। जब भी दुविधा में हो अपने आप से बात करो, लिसन टू योर इनर वॉइस, बिकॉज वर्क एथिक्स के सामने, हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रिटी के सामने कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं। जितने लोग, क्योंकि मैं जब रात को सोता हूं ना, आज 25 साल जब मैंने जॉब की है, मेरा सिर्फ एक ही सिद्धांत रहा है कि रात को जब मैं बिस्तर पे गिरूं, तकिए पे सिर लगे, तो 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर नींद आनी चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए आज मैंने उस आदमी के साथ गलत किया या झूठ बोला, और वो मेरे को शायद कहीं ना कहीं अंदर ही सताता रहेगा। तो आप जब अपने अंतरात्मा से बात करोगे, यू विल लिसन टू योर इनर वॉइस, यू विल ऑलवेज टेक राइट डिसीजन। प्रलोभन हमेशा सोचो आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस देता है, जिनके साथ आप रहते हो वो बोलते हैं। जब आपको जो भी चीजें लाइव है, हम जो भी चीजें आपको गलत समाज समझता है, जो आदतें लगती हैं, पार्टियों की आदत लगती है, अलार्म शना चीजों की, वो दोस्त लोग लगाते हैं। खुद से बात करोगे, जो सिगरेट पीता है वो हर कोई कहता है कि यार मैं छोड़ना चाहता हूं, वो अकेले में बोलता है, बट इसीलिए कुछ एड बनाया होगा, विद सिगरेट इन माई हैंड आई फील लाइक अ मैन, दैट्स व्हाई पीपल कंटिन्यू। ओके, द नेक्स्ट ओ स्टैंड्स फॉर ओपन माइंडेडनेस। अगर ओ का मतलब है ओपन माइंड, अगर आपका ओपन माइंड नहीं है तो सेल्स में तकलीफ आएगी दोस्तों। अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाते तो तकलीफ आएगी। हर महीने 30 तारीख 31 तारीख आनी है, टारगेट का क्लोजिंग डेट आनी है, हर महीना जैसे हर एक घर जरूरी होता है, इसीलिए हर तरीके से हर महीने का टारगेट अलग अलग होता है। जब जब परेशानी में आओगे, आपको नए नए रास्ते सोचने पड़ेंगे कि आप कैसे उनके साथ डील करोगे, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी आपकी टीम की। और अगर आप अपनी टीम को इंसेंटिव नहीं दिला पाए, और गलत तरीके से मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, आपको इनोवेटिव तरीके सोचने पड़ेंगे। एज अ लीडर आपका काम है, रिमेंबर द 5 सेल्स के जो रूल है, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो आपको जरूरी है समझना, क्योंकि जब तक आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचोगे कैसे मैं अचीव कर सकता हूं, कहां तक मैं पहुंच सकता हूं, कैसे मैं किसके सहारे ये कर सकता हूं, कौन सा मेरी टीम में चीता है, कौन सा मेरी टीम में थोड़ा सा वीक बंदा है, मैं कैसे टारगेट ओवरलोडिंग कराऊंगा, दैट इज ऑल इज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, विच एज अ सेल्स पर्सन, एज अ मैनेजमेंट पर्सन, यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड डिलीवर एवरी टाइम, बिकॉज कंसिस्टेंसी के अलावा सेल्स में कोई जगह नहीं है। एक दिन का हीरो अगले दिन जीरो, यू आर एज गुड एज योर लास्ट डे, सेल्स में एक भाषा नॉर्मल हर कोई मैनेजर बोलता है, यू आर एज गुड एज योर लास्ट मंथ अचीवमेंट, क्योंकि इंसेंटिव तो लास्ट मंथ का ही मिलता है, वॉटर का तो मिलता नहीं है जहां पे भी होता है। सो दैट इज ओपन माइंड। एंड लास्ट ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी। ऑलवेज 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 कीप लुकिंग फॉर मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी नॉट फॉर अ नेक्स्ट जॉब, अपॉर्चुनिटी फॉर व्हाट कैन यू डू इन द जॉब, बिकॉज आप जब तक उस जॉब को पूरी तरह जिएंगे नहीं, और मैं अगले सी पे आ रहा हूं, अनलॉकिंग पे हम ओ तक पहुंच चुके हैं, सी पे आ रहा हूं क्विकली। सो अपॉर्चुनिटी, लुक फॉर अपॉर्चुनिटी, जहां जहां मौका मिले लोगों से मिलिए, अपॉर्चुनिटी को नॉक करिए, बिकॉज कब कोई किस्मत बदल दे, फिर एक शाहरुख का एक कोई डायलॉग है, कब कोई चीज बदल जाए उसका कुछ कह नहीं सकते। एनी विच वेज, नाउ नेक्स्ट सी, सी स्टैंड्स फॉर
क्रिएशन ऑफ योर पर्सनल ब्रांड। अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड, पहले तो आपको कमिटमेंट होना चाहिए, 3C मॉडल होता है, आपको एक तो अपने ऊपर एतबार होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा आपको जिस कंपनी को आप रिप्रेजेंट करते हैं उस कंपनी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास होना चाहिए। अगर आपको कंपनी पे विश्वास नहीं है, मैनेजमेंट पे विश्वास नहीं है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कंपनी बदल लो। अगर आप चाय ब्रेक में, सिगरेट ब्रेक में बाहर जाके बात करते हो कि यार ये तो कुछ गड़बड़ है, ये चाहते नहीं है हमारे साथ ऐसा कुछ हो, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, बॉस देन प्लीज चेंज, बिकॉज यू नीड टू हैव कन्विक्शन ऑन द ब्रांड विच यू सेल, ऑन योर सेल्फ एंड द कंपनी विच यू प्रमोट। ब्रांडिंग क्रिएट कर रहे, ऐसे नहीं चलता। कभी कभी यूं भी हमने अपने दिल को बहलाया है, जिन बातों को खुद न समझे औरों को समझाया है। क्या बात है, ऐसा आप तो यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू हैव टू ट्रस्ट, यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस ऑन द ब्रांड विच यू सेल। मे बी शायद मैंने 2 या 3 कंपनियों में काम किया, इसलिए काम किया बिकॉज दोज वर द बेस्ट ब्रांड्स। अगर आज कोई शेविंग सिस्टम में कोई ब्रांड है तो वो जिलेट है, लोग बोलते हैं, आपको कॉन्फिडेंस होता है, जब कोई सर्विस है तो वो है, आपको वैसे ब्रांड खोजने पड़ेंगे। बिकॉज ब्रांड पे जब तक कन्विक्शन नहीं होगा आप मार्केट में जाके कन्विक्शन से बोल ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे एक ट्रिपल सी का फॉर्मूला याद आ रहा है, मैं आपसे शेयर भी कर रहा था कि सेल्स में आई यूज टू फॉलो ट्रिपल सी। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंस इन द कंपनी, कॉन्फिडेंस इन प्रोडक्ट एंड कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। तो अगर ये तीनों सी मिसिंग है कंपनी में और प्रोडक्ट में और अपने आप में, तो मजा नहीं आने वाला, फिर तो ना चलेगा। करेक्ट, ना चलेगा। क्विकली सी पे और आते, प्रवीण जी बिल्कुल सही बोल रहे हो। सेल्स में एक और, सेल्स के ऊपर एक और बहुत बड़ा पहलू होता है, एक बहुत बड़ा दायित्व होता है, इफ दैट इज द राइट वर्ड, वो ये होता है कि यू आर द वन हु हैज टू क्रिएट हैप्पीनेस अराउंड, राइट। आपको अपने पूरे इकोसिस्टम में थोड़ा तहलका मचाना पड़ेगा, लोगों को शेक करना पड़ेगा, उत्साह भरना पड़ेगा, जोश भरना पड़ेगा, हैप्पीनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। और वो कब हो सकती है? जब आप छोटी छोटी विंस को सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि कौन सी छोटी छोटी आदतें कब बड़ी आदतों में बदल जाती हैं, वक्त पता नहीं पड़ता। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, और अगर कोई लीडरशिप में कोई रोल है जो लोग आज यहां बैठे हुए हैं, स्टार्ट सेलिब्रेटिंग योर पीपल, स्टार्ट सेलिब्रेटिंग स्मॉल सक्सेस। Remember, Rome was not built in a day. हम समझते हैं कि वो बिल्कुल हीरो बनेगा तभी हम उसकी ताजपोशी करेंगे, लेकिन पूरी दुनिया तक उसको मारते रहेंगे, रोज मारोगे दोस्त तो वो आपका एसेट नहीं बनेगा, बैंकिंग की भाषा में एनपीए हो जाएगा, एचआर की भाषा में अर्ली वार्निंग सिग्नल का कैंडिडेट हो जाएगा। सो स्टार्ट गिविंग देम इनपुट, हेल्प। और मेरी लास्ट रिक्वेस्ट टू ऑल द लीडर्स, अगर आपको उनके साथ कुछ अच्छा करना है ना, तो उन लोगों के साथ बाजार में जाके उनको हेल्प करो जो आपको वीक सब दिखते हैं। क्योंकि जब आप वीकनेस के साथ जाके हेल्प, शोल्डर टू शोल्डर कहते हैं ना, कंधे से मिलते हैं कंधे, जब आप बाजार में जाके उन लोगों के साथ काम करेंगे ना, तो आपको सीखने को भी मिलेगा और आप सिखाओगे भी और आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। सो डू दैट, क्रिएट योर ओन ब्रांड मूविंग फॉरवर्ड। एक और चीज, क्रिएट योर ओन ब्रांड। बहुत लोग समझते हैं हमने ब्रांड बना लिया, और आजकल डिजिटल का जमाना है, हम कहते हैं चलिए जी इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू पैकेज, द कॉस्ट ऑफ द पैकेज इज 20,000 रुपीज। सेल्स में भी बहुत लोग करते हैं, एंड इंट्रोडक्टरी ऑफर 90%, 70%, 80% डिस्काउंट। 20,000 के पैकेज को 2,000 में बेचना मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं है। अगर मैं समझता हूं, मेरी बात समझिए, और जितने लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उनके, मेरा एक ही तजुर्बा है कि डिस्काउंट जितना पॉसिबल हो बॉस मत दो। टेलीकॉम, अगर आप लोग सब समझते हैं तो टेलीकॉम में एक चीज बता सकता हूं आप लोगों को, एक जमाना था जब तक जियो नहीं आया था, आई एम टेकिंग सम नेम बिकॉज आई डोंट वर्क एनी मोर विद एनीबडी, सो आई कैन, यू आर अ फ्री सोल नाउ, या सो द पॉइंट इज दैट टिल द टाइम देयर वाज नो जियो इन द मार्केट, everybody was selling because everybody needed customer, और चाहे वो 100 रुपए में कार्ड बेचो, 50 में कार्ड बेचो, रिटेलर को तमाम पैसा दे दो, इट वॉज हैपनिंग। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर भी होंगे जो समझ रहे होंगे। एक कंपनी आई जिसने कहा कि बॉस 498 इज द प्राइस, फॉरगेट इट, टेक इट लीव इट, एंड इट अगेन बॉइल्स डाउन टू द कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, कॉन्फिडेंस ऑन योर प्रोडक्ट,
तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिन लोगों को लगता है कि मार्केट में डिस्काउंट के बिना माल नहीं बिकेगा, जिनको लगता है कि मेरी ट्रेनिंग सक्सेसफुल नहीं होगी कि अगर मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा, या तो अपना प्राइस ही 2000 रखो, क्योंकि आप 2000 के ही वर्थ में हो। सोनू शर्मा एक बहुत बड़े वो हुए है ना सेल्स में, नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत बड़े बहुत अच्छे स्रोत वक्ता है, जो आप लोग आई एम श्योर आप लोग सबने सुना होगा। वो भी बड़ा सिंपल कहते हैं, तुम जितना कमा रहे हो अपनी औकात के अनुसार ठीक कमा रहे हो, वो उन्हीं की भाषा है। और अगर अपनी औकात बढ़ा सकते हो तो अपना प्राइस बढ़ाओ। वाओ, पैसा अपने आप मिल जाएगा, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से चार्ज करो ना। सो क्रिएट दैट एटमोस्फियर वेयर यू नीड नॉट ऑफर टू मच ऑफ डिस्काउंट, व्हाट एवर इज द प्राइस गो ऑन। नाउ सी हो गया नो योर बाइस, के स्टैंड फॉर नो योर बाइसनेस फियर्स। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है दोस्त, हमको ना डर लगता है, मैं कई बार इस पे बोल चुका हूं पहले भी, अब क्विकली ज्यादा नहीं बोलूंगा। जब तक अपने डर को नहीं हटाओगे, डर आपको डराता रहेगा। क्या बात, चाहे वो आपका मैनेजर हो, चाहे वो आपका सुपर बॉस हो, जो डरता है वो मरता है और वही पिसता है। सेल्स में जितने लोग होंगे वो समझ रहे होंगे इस बात को, बिकॉज डरना नहीं है आपको, डर के आगे जीत है, डर के आगे निकलना है। तो और डर कब होगा, जब आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज है मुझे डर लगता है। मेरी डिस्ट्रीब्यूटर हैंडलिंग वीक है, मैं जब बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता हूं तब मुझे डर लगता है कि आज अगर इसने मुझे डीडी नहीं दिया तो मेरी सेल्स क्लोजिंग में चोट पड़ेगी। आपको वो समझना पड़ेगा और उस पर एक्ट करना पड़ेगा, उसको रिकवर करने के लिए, उसके आगे बढ़ने के लिए आपको उसमें समझना पड़ेगा कि क्या इनपुट जाने चाहिए। करेक्ट प्रवीण, कोई ऐसे कमेंट जिस पे कोई क्वेश्चन या किसी पे देना हो? सर बस वाह वाह आ रही है, ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं आया अभी। वेरी गुड, सो आई एम मूविंग ऑन टू आई। सो फार वी हैव स्पोकन अबाउट यू एन एल ओ सी के, नाउ आई एम मूविंग टू आई। आई स्टैंड्स फॉर इन्फ्लुएंशियल नेटवर्किंग। इन्फ्लुएंशियल नेटवर्किंग इज ऑल अबाउट द नेटवर्क, द कंपनी विथ विच यू रिमेन इन द इकोसिस्टम। पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो बात पॉजिटिव होगी। कल भी अपन प्रवीण और दो चार लोग मित्र लोग मिलके बात कर रहे थे, जब माहौल पूरा खराब है बाहर, कोविड कोरोना नेगेटिविटी, घर में बंधे हुए हैं, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, अगर आप हमेशा वही सोचते रहेंगे तो आप हमेशा नेगेटिविटी में रहेंगे। इसके लिए यू इज द राइट एग्जाम्पल और द बेस्ट एग्जाम्पल टू टेक। सब थे, शाम को डिसाइड किया रोज शाम को पांच बजे हम कुछ ना कुछ नया लोगों को सिखाएंगे। हो रहा है, लोग कर रहे हैं, आ रहे हैं, जिनको सीखना है वो सीख रहे हैं, जिनको जल्दी है वो बंद करके चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यू रोज कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उनको लगता है कि वो पॉजिटिविटी क्रिएट करना चाहते हैं। सो क्रिएट पॉजिटिविटी अराउंड यू, स्टे अवे फ्रॉम नेसेयर्स। आपको हर लोग ऐसे मिलेंगे रोज जो आपको ये बताना चाहेंगे, हर सूरत हाल में बताना चाहेंगे कि दोस्त तुमसे ना हो पाएगा। मैं आपको अपना एक क्विक एग्जांपल देता हूं। आई कम फ्रॉम अ फैमिली, फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली और अ डॉक्टर फैमिली। आई वाज द फर्स्ट इन दैट एरा हु वांटेड टू डू अ जॉब। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि यार तुम काम ना कर पाओगे, और केवल यही एक मोटिवेशन था कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मैं इस मुकाम पे लगा रहा कि मैं छोड़ने नहीं दूंगा, मैं जब तक अपनी मंजिल हासिल नहीं करूंगा मैं निकलने वाला नहीं, चाहे जो हो जाए। सो क्रिएट, स्टे विथ इन पीपल। और जो लोग आपको नेगेटिविटी बोलते हैं उनसे, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। वो आइडेंटिफाई इसलिए करना जरूरी है कि उनसे डिस्टेंसिंग शुरू करो। संस्कृत में कहते हैं ना, सत्संगति किम न करोति पुंसाम, अच्छे लोगों की संगति आदमी के लिए क्या क्या नहीं करती। सो स्टे विद पॉजिटिव पीपल, दैट्स इन्फ्लुएंशियल नेटवर्किंग। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग वहीं से निकल के आई है इसका मतलब। वी शुड कंटिन्यू दिस विद द यू नो राइट पीपल। अगर जब कोई ऐसा है जो नेगेटिव कर रहा है तो हमें मेंटेन रखना चाहिए इसको। वेरी गुड, सो आई एम मूविंग ऑन टू द लास्ट एन विच इज लॉकिंग। आई हो गया एन। एन स्टैंड फॉर नीट कम्युनिकेशन, नीट क्लीन कम्युनिकेशन। Now, there is a 3C model of crisp communication, and all those who have had worked with me would understand and would really appreciate what this 3Cs means. It has to be crisp, clear, and confident communication. हमारी जिंदगी में communication, हम सबको लगता है, आप अगर interview ले रहे होंगे, बहुत जगह आपको interview में लगता है, हर कोई कहता है सर
व्हाट इज योर स्ट्रेंथ सर? कम्युनिकेशन स्किल्स. सुना है आप लोगों ने सबने? ऑल ऑफ अस से कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन तो ऐसा है जो हर रेडी वाला प्याज बेचता है ना, हर जगह टमाटर प्याज तो मिल जाता है जहां सब्जी मिलती है, हर कोई कहता है मेरे पास कम्युनिकेशन है. लेकिन व्हाट इज नीड कम्युनिकेशन इज, अगर आप कम्युनिकेशन इस लेवल पे कर रहे हैं और आपकी ऑडियंस इस लेवल पे है, तो आपसे आप कितने भी अच्छे कम्युनिकेटर हो, बहुत सब ओवर है, ट्रांसमिशन जाता है. राइट. अगर आपको किसी भी लेवल पे ठीक आना है तो वो लेवल बराबर लाने पड़ेंगे. जब तक या तो आप लोअर लेवल से बात कर रहे हैं, फ्रंट लाइन से बात कर रहे हैं, आप चेयरमैन है, नीचे नहीं आओगे चेयरमैन की तरह ग्लोबल स्ट्रेटजी देके जाओगे तो कम्युनिकेशन कभी नहीं होगा. सेल्स हेड हो, सेल्स मैनेजर हो, अपनी टीम से बात कर रहे हो, नहीं कम्युनिकेट कर पाओगे क्योंकि आप लेवल पे नहीं आ रहे. हमेशा उनके लेवल पे आके सेम लेवल पे बात करो. दो लोग सेम लेवल पे बात कर सकते हैं, ऊपर नीचे बात करना सिंगल मोनोलॉग है. डू यू एग्री? डू यू ऑल एग्री? सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट. प्लीज कीप शेयरिंग योर थॉट्स एज वेल सो दैट कि यहां से पता चलता रहे कि यस चीजें आप तक पहुंच रही है. हालांकि लगातार बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं सर. Very good. So one is communication, which has to be clear and at the level. Then there has to be a confident communication. अगर आप किसी को pitching करने जा रहे हो, आपकी body language हिली पड़ी हुई है, आपके कपड़े तितर बितर हो रखे हैं, आपके चेहरे पे, वो कहते हैं ना कपिल शर्मा जो है, वो जो कॉमेडियन, वो बोलता है कि सर आपसे पहले तो आपका पेट एंटर करता है, जो मोटे लोग हैं उनके बारे में. सेल्स में वो सेल्स पे भी फिट होता है. आपसे पहले आपका डर अंदर पहुंचता है, आपसे पहले आपका जो नॉन कॉन्फिडेंशियल लुक है ना, वो पहले पहुंचता है. और अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं दे पा रहे तो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा. रोज सुबह हम कॉन कॉल करते हैं, रोज सुबह हम बात करते हैं, पूरी टीम की कॉन कॉल होती है, आज हम पत्थर तोड़ देंगे, आज हम ये झंडे गाड़ देंगे, आज हम ये कर देंगे, सारी टीम करती है यो यो यो. रात को मेरा एक पुराना दोस्त था, वो बोलता था सर दिस मंथ आई प्लैंड एवरीथिंग वेरी वेल, आई वांटेड, आई प्लैंड 800% ग्रोथ ऑन दिस एसकेयू ब्ला ब्ला ब्ला, बट सर ऑल माय प्लान्स फेल्ड, आई कुड नॉट डिलीवर माय टारगेट. व्हाट इज द पॉइंट? सो इट हैज टू बी कम्युनिकेशन विच हैज टू बी कॉन्फिडेंट. अगर आपने कम्युनिकेट किया, एंड अ बिग एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेटर इज लाइक नरेंद्र मोदी. आई एम नॉट रिलेटिंग टू पॉलिटिक्स एनी मोर, please don't get me wrong, but I am saying look at the way he is handling the whole of country and nationwide all across the world. He is being looked upon, people are listening to him. The way he says ki boss aaj janta curfew hai to janta curfew hai, isse pehle bhi aaye baad mein bhi aayenge, I don't know, but whatever. So you have to have very good confident communication, people should respect. Moving on to the last, which is my favorite, and all those with whom I have worked would agree. Last G stands for Gemba. Now, G stands for Gemba. Gemba means be at the market, be at the place where action happens. क्या बात? अगर लड़ाई में फौजी हो और ऑफिस में बैठ के टीम से एक्सपेक्ट करोगे कि फौज जाके सीमा पे लड़ेगी, बॉस नहीं होता ना. एज अ लीडर आपको वहां जाना ही पड़ता है. मैंने बीच में भी बोला था, अगर आपको ट्रू रिस्पेक्ट अपने प्रोफेशन में लेनी है तो अपने बच्चों में से आइडेंटिफाई करो कौन से चैंपियन है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दो, कौन से थोड़े वीक है उनको डेवलप करो. वो कहते हैं ना असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, देखो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो. क्या बात है. हरिवंश राय बच्चन साहब की एक बहुत बड़ी, बहुत बहुत फेमस है ना, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो. जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष करो मैदान छोड़कर मत भागो तुम. जितने लोग यहां पर ऐसे हैं ना जो सेल्स में आते हैं और बहुत जल्दी बाहर चले जाने की रिक्वेस्ट करते हैं, ज्वाइन करते से दूसरे महीने तीसरे महीने फोन जाता है एचआर को, सर आई एम नॉट लाइकिंग द जॉब, आई नीड अ ट्रांसफर टू अदर फंक्शन. ये उन सब के लिए,
मैदान छोड़ के भागना है तो भाग जाओ यार, ज्वाइन मत करो, यू हैव वेस्टेड योर टाइम, यू हैव वेस्टेड ऑर्गेनाइजेशन टाइम। लेकिन जैसे जो इतने लोग हैं उनको जो मैदान छोड़ने की आपको प्रोबेबिलिटी लगती है, उनके साथ जाके हम सफर होके उनके शोल्डर टू शोल्डर जाके उनके साथ काम करो, उनको डेवलप करो, उनको उस लेवल पे लाओ कि वो आपका सम्मान करें। क्योंकि सम्मान अगर आपका हो गया तो मान अपने आप होगा, और मान हो गया तो व्यापार अपने आप होगा। क्या बात है, आई रियली अप्रिशिएट संजीव मलिक सर, बीच में इन्होंने पूरे नोट्स बना के भेजे हैं आपके, जब जो भी तक आपने बोला। संजीव मलिक जी सल्यूट योर एफर्ट, वाओ आपने सबके साथ शेयर किया। एंड वोडाफोन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हेंस ही इज राइटिंग एवरीथिंग व्हाट आई एम सेइंग, ही विल बी रिकॉर्डिंग। मेरी मजबूरी है कि मैं स्क्रीन पे लेके नहीं आ पा रहा हूं, इतना लंबा नोट हो गया। नहीं, आप बाद में शेयर कर लीजिए। दूसरी जो गैम्बा का लास्ट जो जी है वो स्टैंड करता है ग्रेटिट्यूड। हम लोग सब कुछ अच्छा करते हैं, जब फेलियर होता है एज ए लीडर हम फेलियर का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी टीम पे डालते हैं, लेकिन जब शुक्रिया करने का धन्यवाद करने का टाइम आता है, जो हमको आज जहां पहुंचाया टीम ने पहुंचाया, वो ग्रेटिट्यूड हम भूल जाते हैं। क्या बात है, ये ह्यूमन फितरत है। कोई एक मैं तो बहुत ज्यादा इतना अच्छा हूं नहीं, पर एक पुरानी कहावत या कहीं किसी कविता में या किसी हिंदी वाले कवि ने भी ऐसी कुछ लिखी थी कि जब मुसीबत आती है तब भगवान याद आते हैं, अदरवाइज लोग भूल जाते हैं। करेक्ट, कुछ लोग होंगे जो बता पाएंगे, अमर सर टाइप बता पाएंगे, लेकिन मेरा मोटा आपको कहने का मतलब लास्ट ये है कि प्लीज कीप ग्रेटिट्यूड। जिंदगी में जो भगवान ने दिया और जो आपके दोस्तों ने आपकी टीम ने आपको दिया, उसका शुक्रिया जरूर अदा करिए दोस्तों, जिस भी फॉर्म में कर सकते हैं वो करिए। बिकॉज अगर आप किसी को शुक्रिया ही नहीं अदा कर पाए तो आपको मौका नहीं मिलेगा जब आप उनको थैंक यू कह पाओगे। सही कह रहा हूं? सो दैट इज ऑल अबाउट अनलॉकिंग, विच सेज हाउ डू आई अनलॉक द सेल्स कोड। और any question you have before I conclude, or any question, anything which you have want to understand more, एक घंटा हो गया हमें पता भी नहीं चला, और क्विकली अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कुछ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज डू शेयर। लगातार कॉमेंट्स आते जा रहे हैं सर, वी कैन सी। सो इन केस इफ यू वॉन्ट टू शेयर एनी थिंग दैट वी कैन टेक इट यू नो क्विकली, सो वी वुड लव टू हैव योर। And if you want any help later on also, Praveen will share my number. You can certainly connect with me. I run a company called EduStory. We help build careers. Bilkul. And we would be happy to build whatever relationship we can. If Aditya is live, I can... Aditya, please share the EduStory, jo sir ka page hai. Aap uska link bhi share kar sakte hain. Log connect kar sakte hain wahan pe. एंड रामचल मदेसिया बोल रहे थे सर कि आप सेल्स गुरु हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। रामचल मुझे शायद एक्सिस बैंक के दिनों से जानते हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप कभी समय दे पाए तो डेफिनेटली मुलाकात हो आपसे उनके। कोविड और लॉकडाउन हटेगा मैं मिल सकता हूं अभी आप मिल सकते हैं। सो नाइस, बट आई लव द इंटरेक्शन, ऑल ऑफ यू हैव बीन लवली 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 ऑडियंस, बिकॉज जितना आप लोगों का फ्लो ऑफ एक्सप्रेशन जो कमेंट्स में आ रहा है वो हमको दर्शा पा रहा है मेरी एनर्जी। और मैंने आपको पहले बोला था, मैं अपने आप को सेलू अच्छा मानता हूं, और मैंने आपको सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक स्टार्टिंग में समझाए थे, एनर्जी कम ना होनी पाए बार बार लगातार। ये एक सवाल आ रहा है सर विक्रम कुशवाहा जी का, सेल्स नेगोशिएशंस में क्या कॉस्ट से कम पर काम करना ठीक है? ये आप सवाल नहीं पूछ रहे, अपनी फ्रस्ट्रेशन शायद जाहिर कर रहे। मेरी मानेंगे तो मेरे उसूल कुछ अलग हैं। आई डोंट एग्री विक्रम भाई आपकी बात से, और नहीं करना चाहिए। अगर आपका सिंपल जवाब दूं तो नहीं करना चाहिए। ओके, सो एनीथिंग एल्स बिफोर आई से मैं इसको ऐसे समझता हूं सर, जस्ट टू ऐड फ्यू वर्ड्स विथ योर, मैं अक्सर अपने सेल्स में ट्रेनिंग में कहा करता था कि कभी पार्ले जी के लिए सेल्समैन देखे जो भटकते हुए दुकानों पर जाके बोल रहे सर प्लीज ले लो प्लीज ले लो प्लीज ले लो, जरूरत ही नहीं है। पार्ले जी को सेल्समैन की जरूरत ही नहीं है, और अगर सेल्समैन की जरूरत होने के बावजूद भी आपको डिस्काउंट देके बेचना पड़ रहा हो, या प्रोडक्ट पे एमआरपी पे यू नो जो मेन कॉस्ट है उस पे बिना प्रॉफिट के बेचना पड़ा हो, तो फिर आपके रोल की जरूरत ही नहीं है। राइट, देयर इज नो नीड ऑफ अ सेल्समैन। सो इट्स ऑल अबाउट की स्किल्स जो है वो स्किल्स आपको यू नो सेल्समैन बनाती है, और वो अगर आप हैं वहां पे तो वैल्यू लेके आए तब तो सेल्स कर पा रहे हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस, वेरी ट्रूली पुट। और
सेल्स के बारे में जो आप लोग जितनी बात बोल रहे हैं वो सब जो लोग मिलना भी चाह रहे हैं वो स्टार्टिंग में मैंने एक्चुअली बिना दिमाग बनाए एक शेर आपको पढ़ने की कोशिश करी, दोबारा एंड में पढ़ देता हूँ। ये हकीकत है कि होता है असर बातों में, हकीकत है कि होता है असर बातों में, आप लोग भी खुल जाओगे दो चार मुलाकातों में, मिलने की बहुत अच्छी है और हम वी शुड मीट अप मोर ऑफन। थैंक यू वेरी मच, यू हैव बीन लवली ऑडियंस। और अगर आपको मौका दें तो प्रवीण भाई एक और शेर सुना दूं, जो माहौल है कोविड है। प्लीज प्लीज, मैंने तो पहली बार सुना है इतना सेल्स। मैं आपको साथियों बता दूं इसी माहौल में कि संडे को यानी आने वाले रविवार को 5 बजे हम लोग डिजिटल महफिल में 4 शायर होने वाले हैं और शायरी की बहुत शानदार महफिल जमने वाली है। अमित सर आपको भी होना होगा उस दिन, सो वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट। और मतलब रोज रोज सीखने के साथ साथ कुछ तो सेलिब्रेशन हो जाए। चलिए सर बहुत बढ़िया। और ये जो कोविड लॉकडाउन इन सब में लोग परेशान है तो उनके लिए सबके लिए मैंने किसी की नज्म पढ़ी थी, नाम भी उनको आपको बताऊंगा तो उन्हीं की नजम पढ़ देता हूं आपके सामने। मैंने नहीं लिखी, झूठ नहीं बोलूंगा। गुजर जाएगा ये दौरे तन्हाई, गुजर जाएगा ये दौरे तन्हाई, फिर इस तन्हाई को तरस जाओगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। अभी शोर की तलब में हो, अभी शोर की तलब में हो, फिर सुकून को तड़प जाओगे। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। बेसब्र हो फुर्सत से आज, बेसब्र हो फुर्सत से आज, कल फुर्सत ही नहीं ढूंढ पाओगे। आए जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो फुर्सत नहीं ढूंढ पाओगे। और ये प्रवीण और टीम के लिए, आई थिंक प्रवीण ने जो स्किलिंग यू के माध्यम से जरिए से ये सब हम सबको मिलाने की कोशिश करी। वो कहते ना अगर शिद्दत चाहे तो कायनात क्या क्या कर सकती है, वो डायलॉग है ना, तो वो उन सब के लिए शायद ये वाला जो लास्ट लाइन है वो इनके लिए है। झांक लो अंदर, झांक लो अंदर अभी अंधेरे हैं, झांक लो अंदर अभी अंधेरा है, कल फिर अपनी रोशनी में खो जाओगे। अरे क्या बात है, शानदार सर, मजा आ गया। मतलब सेल्स विद शायरी, वाओ। मैंने बोला ना आपको, आपको अपने आसपास पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस क्रिएट करनी पड़ती है। बहुत खूब, बहुत खूब, शानदार सर, बहुत मजेदार रहा सेशन। और साथ ही मैं बता दूं कल हमारे बीच में अमिताभ सर आ रहे हैं, अमिताभ सक्सेना जी, जो मैं कह सकता हूं कि जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीनेशनल कंपनी है जो सिक्स सिग्मा में काम करती है एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग्स में है, बहुत बेहतरीन स्पीकर हैं, रेगुलर कॉलमनिस्ट हैं दैनिक भास्कर जैसे अखबारों में, और हम कल ढेरों बातें शेयर करने वाले हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। हम यहाँ तक सीखने वाले हैं कि सिक्स सिग्मा जैसी टेक्निक्स का लाइफ में कैसे इस्तेमाल किया जाए, अपने बिजनेस में कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो कल 5 बजे हम दोबारा से मिलने वाले हैं यहीं पे। और मैं आपको फिर से बता दूं कि 25 तारीख को हमारी इंग्लिश की ऐप आ रही है और बिल्कुल फ्री है अभी फिलहाल, आप जाके वहां पे डाउनलोड करके रजिस्टर कर सकते हैं। दैट एप्लीकेशन, दैट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इज फ्री फॉर फर्स्ट 1000 डाउनलोड्स, सो प्लीज गो एंड डाउनलोड द एप्लीकेशन। यहाँ पर मैं कॉमेंट्स बॉक्स में देख रहा हूँ कि टीम ने ड्रॉप किया है लिंक शेयर करने का। सो अमित सर बहुत मजेदार रहा आज का सेशन एंड आई एम श्योर कॉमेंट्स बता रहे हैं कि लोगों ने बहुत इंटरेस्ट लिया है। क्या बात है, सेल्स और शायरी। अंकित कुमार जी बोल रहे हैं, जी हाँ। सो नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस एंड व्यूअर, बहुत मजा आया, बहुत एनर्जी बनी रही और ऑब्वियसली अमित सर आपने तो एनर्जी डाल दी और लगातार एनर्जी को लेके बहुत कमेंट्स आए, बीच में मिस कर गया, इतना फ्लो ज्यादा था कमेंट का कि दिल से बोल रहे हैं बहुत एनर्जेटिक सेशन रहा है। मेरा लास्ट क्वेश्चन ले लो भाई विक्रम जी, आई एम सॉरी आई हैव मिस्ड योर क्वेश्चन, एक बार क्विकली अगर ड्रॉप कर पाए तो। सेल्स टीम घर पर उनको कैसे मोटिवेट रखे। अच्छा विक्रम जी पूछ रहे हैं सर, विक्रम जी का आखिरी सवाल है, ले लेते हैं क्विकली। सेल्स टीम घर पर है तो मतलब घर पे अगर सेल्स टीम है तो उसको मोटिवेट कैसे रखें, आप शायद ये कहना चाह रहे हैं जी। नहीं जैसे घर पे सेल्स टीम कोई अलग थोड़ी है, जैसे सारी टीम है घर पे है और जैसे उनको मोटिवेट कर रहे हैं वैसे ही सेल्स टीम को करिए। और जितने लोग सेल्स टीम के बारे में सेल्स वाले लोग कहते हैं या उनके घर वालों को जितनी तकलीफ होती है कि हमको टाइम नहीं मिलता, परिवार को पता ही नहीं पड़ता, ये वीकेंड वाले अंकल हैं हमारे, ये पिताजी हैं, ये बहुत सारी बातें होती है ना, हमने तो सिर्फ ऐसे रात को सोते में ही बच्चों को देखा है, वो सब अब इन समय वो मौका मिला है तो उसको एंजॉय करिए, उस पर मोटिवेट हुई है। और अगर आप ये तो रहा थोड़ा सा लाइट मूड में, लेकिन अगर आप उसको ढंग से समझना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको मोटिवेट ऐसे करना चाहिए, आप अपनी टीम को बोलिए कि बेटा जितना आप लोगों ने अपनी हेल्थ को बिगाड़ा है बाहर घूम घूम के, कुछ भी खा के और कुछ ना खा के,
ये टाइम है जब आप अपनी सेहत पे काम करें, सो दैट कल जब लॉकडाउन खुले तो आप बाहर जाके एग्रेशन से, पूरे पैशन से, पूरे जोश से आप अपने जाके मार्केट में दोबारा लगें, जिससे कि जो आपका टारगेट रह गया हो वो आप पूरा करें। 2 महीने कोई नहीं फर्क पड़ता, 12 महीने में से 2 महीने गए, 10 में बराबरी होती है, तो वो कोशिश करिए। दैट इज द ओनली वे यू विल बी एबल टू मोटिवेट योर सेल्स टीम एंड दैट इज व्हाट दे विल अप्रिशिएट ऑल्सो, बिकॉज इफ अगर आप उनको ये कर पाएंगे तो मौका मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा कि आप उनको ज्यादा ये आंसर प्लस सैल्यूट है, मजा आ गया। मतलब आई रियली अप्रिशिएट दिस इज दिस शानदार। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि सेल्स करते वक्त ना सेहत का ख्याल रहता है ना समय का ख्याल रहता है, दिस इज द राइट टाइम कि हम दोबारा से रीगेन कर सकते हैं हेल्थ को, चीजों को, और एक बार फिर से एनर्जेटिक होके। मतलब वो ये कि अगर शेर और चीता 2 कदम पीछे हट रहा है तो इसका मतलब ही नहीं कि पीछे जा रहा है, वो लंबी छलांग लगाने के तैयार हो रहा है। शानदार ठाकुर विपंदर जी, आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, रिक्वेस्ट के अदर लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया, आप चाहें तो पेज लाइक कर सकते हैं जिससे कि आपको लगातार ही नोटिफिकेशन आ सके। तो समय हो गया सर, चला जाए, अदरवाइज ये बातें मुझे लग रहा है कि लंबी जाने वाली है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच बीइंग हियर सर, एंड इन केस पीपल वांट टू कनेक्ट यू कैन शेयर माय नंबर। यस, मैं नंबर पब्लिक अभी शेयर कर दूं अगर आप लोग सेव करना चाहते हैं तो, या सर आप एक बार बोली दें सीधे मुझे पढ़ना पड़ेगा। ओके, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट करिए, अब आपके स्क्रीन पे नहीं आएगा लेकिन मेरा नंबर है 9713018600 9713018600 स्क्रीन पे आ गया सर, स्क्रीन पे आ गया, और कुछ लोगों ने लिखा ओ ये तो ऑलरेडी मेरे कॉन्टेक्ट बुक में था। थैंक यू, इट वॉज ऑनर, इट वॉज प्लेजर, इट वॉज सो नाइस टू टॉक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू प्रवीण, थैंक यू सो मच साथियों, कल दोबारा से 5 बजे यहीं पे मुलाकात होने वाली है। थैंक यू सो मच अमित सर, सो बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।